न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ पंत भाटिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बड़वानी मुख्यालय से, जहां बड़वानी शहर के समीप कुएं से नवविवाहिता का शव बरामद होने से क्षेत्र में फैली सनसनी। जी आपको बता दें कि मृतक रीना की संदिग्ध मौत से आहत परिजनों ने पति और ससुर पर हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का आरोप लगाया है। जी हां, एक बड़ी खबर बड़वानी से आ रही है, जहां शहर के समीप कुएं से नवविवाहिता का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अभी शव को बरामद किया है। आपको बता दें कि बड़वानी शहर के समीप हगारिया फलिया स्थित एक खेत में बने कुएं में नवविवाहिता का शव मिला है। दो दिनों से गुमशुदा महिला की छानबीन करने गई पुलिस ने जब खेत के आसपास खोजबीन की तो कुएं में महिला का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। इस बीच पति लगातार पुलिस और पत्नी के मायके पक्ष को गुमराह करता रहा। बाद में पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। उधर मृतका के परिजनों ने उसके पति विष्णु और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं इस बारे में टीआई राकेश यादव व मृतक की मां शांताबाई क्या कहती है। हागिया फालिया है जो बाईपास रोड के कुंडिया गांव के पास स्थित है। यहां पे एक खेत में एक महिला की डेड बॉडी, जो कुआं है कुएं में डेड बॉडी मिली है, तो पुलिस अभी इसमें मर्ग कायम कर जाँच कर रही है। सर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज? हाँ, ये जो है महिला शादीशुदा है और इसके परिजन जो ससुराल वाले हैं उन्होंने कल इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज कराई थी। क्या फेस क्या लग रहा है? अभी तो भाई जांच के बाद ही इसमें बताया जा सकता है कि क्या है। अभी इसका पंचनामा होना, एफएसएल अधिकारी भी आएंगे और दिन में इसकी सही तरह से बॉडी का परीक्षण हो पाएगा। तो आपको क्या शक है? मेरे को शक क्या है सर, ये दोनों जन झगड़ते तो फिर यही मारकूट करी होगी। शुक्रवार के दिन तो मैंने भेजी और ये ऑटो वाले को मैंने बोला कि ये मेरी बहन का लड़का है तो वो इसको छोड़ा भाई, इतनी वक्त आई। मतलब ये कुएं में खुद के मन से नहीं गिरी? नहीं, ये है नहीं पेशाब के बहाने से वो किया होगा, कहीं लड़ाई दंगा करा होगा। तो फिर वो बाथरूम करने आई तो वो भी पीछे लगा है, तो ये भाग के आ रही होगी घर कि मैं चले जाऊँ करके। तो फिर उसका घरवाला आया और यहाँ मारकूट करी होगी तो बिचारी को नली वाली दबा दी न, फिर बाद में नहीं हमको बोलने गया कि रीना आई करके, ये 9 बजे की 10 बजे की बात बोल रहा। मतलब आपको दामाद पे शक है? हाँ, शक उसके पे है। उसने मारा, कोई नहीं मार सकता। मार के कुएं में डाला? हाँ, वो तो वो है नहीं मेरे बहन के लड़के को वो मनोज को लाया ढूंढने के लिए। सब दूर हम कल रपट करने गए थे तो सब दूर ढूंढा तो वो कुएं के पास में नहीं लाए न, फिर है तो इधर उधर ढूंढे न, फिर दिन भर ढूंढा। तो पुलिस ने पूरा छानबीन करी तब पता लगा? हाँ, जब पता लगा सर न, वो बोले कि हाँ, बोले कि इधर की दिशा में गए, उधर की दिशा में गए, ऐसा ऐसा बोलता वो।